तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तरीके से बहुत बड़े फेरबदल के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। अर्चना हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के इस फेरबदल में एक महिला शक्ति को भी सामने रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वाकई में महिला शक्ति काम करेगी? दरअसल रिमोट कंट्रोल ज्यादा हावी रहेगा। अजय जी, ये कहना लगभग गलत ही होगा कि रिमोट कंट्रोल हावी रहेगा, क्योंकि रेणु देवी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। चार बार की विधायक रही हैं, अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं और उन डोनिया जाति से आती हैं, तो एक रणनीति के तौर पर भी बीजेपी ने रेणु देवी को उतारा है, डिप्टी सीएम के तौर पर उतारने का मन बनाया है, क्योंकि नोनिया के अलावा बिंद, मल्ला, ये वो जातियां हैं जिनको वो बीजेपी के पक्ष में ला सकती हैं। साथ ही साथ अगर चंपारण के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी रेणु देवी का प्रभाव है, तो उनके प्रभाव का इस्तेमाल बीजेपी कर सकती बिल्कुल है। अर्चना, तो आपने जो जिक्र किया कि वो पिछड़ा वर्ष से आती है और यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग की जो वोट है उसको अपने साथ रखने के लिए ये कदम उठाया गया होगा, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुके, वापस लौटते हैं, आप सबसे बात होगी।